कांग्रेस में आज से राहुल युग का आगाज होने जा रहा है। आज राहुल गांधी औपचारिक तौर पर कांग्रेस अध्यक्ष का पदभार संभालेंगे। पार्टी ने दिल्ली में बड़े जश्न की तैयारी की। पूरे 19 साल बाद दिल्ली में 24 अकबर रोड कांग्रेस के दफ्तर में अध्यक्ष की नेम प्लेट आज बदल जाएगी। सोनिया गांधी की जगह उस पर राहुल गांधी का नाम होगा। ढोल ताशे बजेंगे और लड्डू बांटे जाएंगे। सुबह 11 बजे राहुल गांधी पार्टी दफ्तर में अध्यक्ष निर्वाचित होने का प्रमाण पत्र हासिल करेंगे। इसके बाद सोनिया गांधी उन्हें अपनी जगह अध्यक्ष की कुर्सी पर बिठाएंगी। 1 घंटे 10 मिनट का कार्यक्रम होगा, जिसमें पहले सोनिया गांधी, फिर मनमोहन सिंह और उसके बाद राहुल गांधी का भाषण होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए आज गौरवमय इतिहास और एक स्वर्णिम भविष्य दोनों के मिलन का एक सुखद दिन है। राहुल जी हैज बीन द डार्लिंग ऑफ द कांग्रेस मेन एंड कांग्रेस वुमेन फॉर सर्विंग द पीपल थ्रू द कांग्रेस पार्टी एज ए चोजन व्हीकल। राहुल गांधी की ताजपोशी कार्यक्रम के लिए 1000 निमंत्रण बांटे गए हैं। देश के सभी प्रमुख कांग्रेस नेता मौजूद रहेंगे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भी बड़ी तादाद में मौजूद रहने की उम्मीद है। 2007 में राहुल गांधी को कांग्रेस का महासचिव नियुक्त किया गया था। 2013 में राहुल गांधी को कांग्रेस का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया था। 11 दिसंबर को राहुल गांधी को निर्विरोध कांग्रेस अध्यक्ष चुना गया। राहुल गांधी के उपाध्यक्ष बनने के बाद से कांग्रेस 27 चुनाव में हारी है। 2 दिन बाद ही गुजरात और हिमाचल के चुनावी नतीजे आने हैं। तमाम एग्जिट पोल में कांग्रेस के लिए बुरी खबर है। ताजपोशी का जश्न नतीजों से 2 दिन पहले करने के पीछे भी ये एक वजह है। कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि सोनिया गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष पद से रिटायर्ड होने जा रही हैं। राजनीति से नहीं, वो मार्गदर्शक की भूमिका में सक्रिय रहेंगी। आज से राहुल युग में दाखिल हो रही कांग्रेस में बड़ा सवाल घूम रहा है कि सोनिया गांधी की भूमिका अब क्या होगी। सोनिया अब क्या पार्टी के होर्डिंग्स में ही दिखाई देंगी या 2018 के 3 चुनावों और उसके बाद 2019 के आम चुनाव में प्रचार भी करेंगी। शीत सत्र के पहले दिन संसद पहुंची सोनिया ने मीडिया के सवालों पर बस इतना कहा कि अब वो रिटायर होने जा रही हैं। कयास लगने लगे हैं कि सोनिया गांधी रायबरेली से अगला चुनाव भी नहीं लड़ेंगी, लेकिन कांग्रेस ने अटकलों को खारिज करते हुए कहा कि सोनिया सिर्फ अध्यक्ष पद से रिटायर हो रही हैं, राजनीति से नहीं। अगर वो एक्टिव पॉलिसी में ना भी रहें, फिर भी उनका मार्गदर्शन हमारे संग रहेगा हमेशा। मैं नहीं सोच सकती हूँ कि बिना मैडम के कुछ हो सकता है या आगे चल सकता है। हाँ, राहुल गांधी जी आए हैं, उनके लिए बहुत बड़ा स्वागत। सोनिया गांधी ने 1998 में कांग्रेस अध्यक्ष का पद संभाला था। उनके नेतृत्व में 2 बार कांग्रेस नेतृत्व वाली यूपीए की सरकार बनी, लेकिन खराब सेहत की वजह से सोनिया कुछ समय से सक्रिय नहीं है। गुजरात हिमाचल चुनाव में उन्होंने प्रचार भी नहीं किया। मोदी आज एक दिन के मिजोरम और मेघालय के दौरे पर जा रहे हैं। पीएम 2 बड़ी परियोजनाओं की सौगात देंगे, साथ ही 2 जनसभाएं भी करेंगे। मेघालय और मिजोरम के दौरे में पीएम मोदी दोनों राज्यों को कई परियोजनाओं की सौगात देंगे। यात्रा से पहले पीएम ने ट्वीट किया, मोहक और उमंग से भरा पूर्वोत्तर बुला रहा है। कल मिजोरम और मेघालय की यात्रा की प्रतीक्षा कर रहा हूं, जहां कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया जाएगा। ये परियोजनाएं पूर्वोत्तर की विकास यात्रा को रफ्तार प्रदान करेंगी। पीएम मोदी मिजोरम के एजल में असम राइफल मैदान में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद 60 मेगावाट का तुइरियाल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट देश को समर्पित करेंगे। पीएम इसके बाद शिलांग में शिलांग नांग स्टोइन रागजेंग तुरा नेशनल हाईवे की बुनियाद भी रखेंगे। पीएम शिलांग में स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर कॉम्प्लेक्स में भी एक सभा को संबोधित करेंगे। पीएम के दौरे के राजनीतिक अर्थ भी देखे जा रहे हैं। पीएम शिलांग में बीजेपी दफ्तर खोलने की घोषणा भी करेंगे। मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा में अगले साल विधानसभा चुनाव है। पूर्वोत्तर के 3 राज्यों में बीजेपी सरकार बना चुकी है, वहीं 4 राज्य बचे हुए हैं। कोयला घोटाले में दोषी ठहराए गए झारखंड के पूर्व सीएम मधु कोड़ा की सजा पर सीबीआई की विशेष अदालत आज ऐलान करेगी। मामले में कोड़ा समेत 5 लोगों को दोषी ठहराया गया है। कोयला घोटाले में दोषी ठहराए गए झारखंड के पूर्व सीएम मधु कोड़ा को आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। सीबीआई की विशेष कोर्ट ने मधु कोड़ा के साथ पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता, झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव एके बसु और 2 अन्य ब्यूरोक्रेट को भी दोषी करार दिया है। मधु कोड़ा के वकील और परिवार ने कोड़ा के डायबिटीज पेशेंट होने और उनकी दोनों बेटियों के छोटे होने का तर्क देते हुए कोर्ट से उन्हें कम से कम सजा देने की मांग की है। कोयला घोटाले का यह मामला झारखंड के राजहरा नॉर्थ ब्लॉक के आवंटन का है। 2007 में कोलकाता की विजुअल कंपनी को कोल ब्लॉक का आवंटन किया गया था। झारखंड सरकार और इस्पात मंत्रालय के ऐतराज के बावजूद कोल ब्लॉक अलॉट हुआ। मधु कोड़ा आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और पद के दुरुपयोग के दोषी ठहराए गए हैं। सीबीआई ने आरोप लगाया था कि तत्कालीन कोयला सचिव एचसी गुप्ता की अध्यक्षता वाली स्क्रीनिंग कमेटी ने ऐतराज के बावजूद ब्लॉक अलॉटमेंट की सिफारिश की थी और इस तथ्य को पीएम मनमोहन सिंह से भी छिपाया था। इनके पास उस वक्त कोयला मंत्री का भी प्रभार था। टैक्स चोरी पर लगाम और कारोबार आसान बनाने के लिए जीएसटी काउंसिल का आज ई वे बिल लागू करने पर
फैसला ले सकती है। बैठक में वित्त मंत्री अरुण जेटली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मौजूद रहेंगे। ईवे बिल सिस्टम को लागू करने का सीधा मकसद है टैक्स चोरों की रही सही कमर को भी तोड़ना, साथ ही टैक्स भरने की कठिनाइयों को दूर करने के कारोबारियों की नाराजगी को दूर करना। अक्टूबर में जीएसटी से टैक्स कलेक्शन सितंबर के मुकाबले 12,000 करोड़ रुपए कम रहा है। साफ है कि जीएसटी के बावजूद टैक्स छिपाने वालों की एक बड़ी संख्या सरकार की नजर से बच रही है। ऐसे में संभव है कि इन्हें रडार पर लाने के लिए ईवे बिल सिस्टम अप्रैल की बजाय 1 जनवरी 2018 से ही लागू कर दिया जाए। आज 24वीं जीएसटी काउंसिल बैठक में इस पर फैसला हो सकता है। जीएसटी में माल ढुलाई के लिए ईवे बिल का प्रावधान है। ईवे बिल एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक बिल होगा। बिल में सामान भेजने और पाने वालों की जानकारी होगी। बिल में माल और उस पर लगे जीएसटी की जानकारी होगी। 50,000 तक के माल की ढुलाई पर ईवे बिल जरूरी। सरकार का दावा है कि ईवे बिल लागू होने के बाद ही व्यापारियों को जीएसटी का असली फायदा होगा। माल की आवाजाही बिना रुकावट होगी, चुंगियों पर भ्रष्टाचार भी रुकेगा और इससे लॉजिस्टिक कॉस्ट भी कम होगी। कैशलेस लेन देन की तरफ केंद्र सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है। सरकार अगले 2 साल तक 2,000 रुपए तक के डिजिटल ट्रांजेक्शन पर MDR चार्ज खुद भरेगी। नोटबंदी के बाद नए नोट मार्केट में आते ही जो लोग वापस कैश की तरफ बढ़ने लगे थे, ये फैसला उन्हें वापस डिजिटल पेमेंट की तरफ ले जाने के लिए है। 2,000 रुपए तक के डिजिटल ट्रांजैक्शन पर लगने वाले MDR यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट का पेमेंट 2 साल तक सरकार खुद अपनी जेब से बैंक और कारोबारियों को करेगी। कैबिनेट का ये फैसला 1 जनवरी 2018 से लागू होगा। ये पूरा सिस्टम ठीक से चले उसके लिए सेक्रेटरी की कमेटी भी बनाई गई है, जिसमें हमारे IT सेक्रेटरी भी हैं, बाकी लोग हैं, वो इसके पूरे सिस्टम को देखेंगे। MDR वो कमीशन होता है जो कार्ड से पेमेंट के लिए दुकानदार बैंक को देता है। फिलहाल RBI ने 2,000 रुपए के डेबिट कार्ड भुगतान पर 0.75% MDR तय किया है, जबकि इससे ज्यादा रकम पर 1% MDR वसूला जाता है। योजना के तहत डेबिट कार्ड, भीम ऐप या आधार से पेमेंट करने पर MDR के बराबर रकम कैशबैक के तौर पर मिलेगी। इस फैसले से सरकार के खजाने पर 2,512 करोड़ रुपए का बोझ बढ़ेगा। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में पूर्व केंद्रीय मंत्री कमलनाथ के सुरक्षा में भारी चूक सामने आई। यहां एक पुलिस वाले ने कांग्रेस नेता पर बंदूक तान दी। कमलनाथ अपने संसदीय क्षेत्र छिंदवाड़ा के 4 दिन के दौरे के बाद दिल्ली वापस आ रहे थे। वो एयरपोर्ट पर फ्लाइट पकड़ने ही वाले थे कि कांस्टेबल ने उन पर बंदूक तान दी। आरोपी कांस्टेबल रत्नेश पवार एयरपोर्ट पर सुरक्षा में तैनात था। उसके कमलनाथ के विमान की ओर राइफल तानते ही हड़कंप मच गया। वहां मौजूद दूसरे सुरक्षा कर्मियों ने रत्नेश को पकड़ लिया। रत्नेश को निलंबित कर दिया गया है और उनके खिलाफ जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। कुछ संदिग्ध गतिविधि की गई जो राइफल उठा के कंधे तक लाई गई और तत्काल उसको देखने पर तत्काल उसको पीछे किया गया, हटाया गया वहां से और प्लेन को टेक ऑफ कराया गया। अभी तक ये साफ नहीं हो सका है कि कांस्टेबल ने पूर्व केंद्रीय मंत्री पर बंदूक क्यों उतारी। पूछताछ में आरोपी ने कुछ भी याद न होने की बात कही है। ASP के मुताबिक कांस्टेबल को ये भी याद नहीं है कि उसने ऐसा क्यों किया, इसीलिए उसके दिमाग की भी जांच कराई जाएगी। नोएडा का हाई प्रोफाइल आरुषि हेमराज मर्डर केस सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। हेमराज की पत्नी ने डॉक्टर राजेश और नुपुर तलवार की हाई कोर्ट से रिहाई को चुनौती दी। आरुषि हेमराज मर्डर केस क्या फिर अदालतों में घूमेगा? हेमराज की पत्नी कुमकला बजांडे ने अपनी याचिका में कहा है कि जब हाई कोर्ट ने मौत को हत्या माना है तो फिर उसे जांच एजेंसी को हत्यारे का पता लगाने को कहना चाहिए। हेमराज की पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश का हवाला देते हुए कहा कि घर के भीतर हत्या होती है तो घटनाक्रम की जानकारी देना घर में मौजूद व्यक्ति की जिम्मेदारी है, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं हुआ। तलवार दंपति नहीं बता पाए कि हत्या कैसे हुई, किसने की। हेमराज की पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट से निचली अदालत का फैसला बहाल करने की अपील की। मई 2008 में आरुषि का शव उसके फ्लैट में मिला था। बाद में छत पर नौकर हेमराज की लाश मिली थी। नवंबर 2013 में गाजियाबाद की CBI कोर्ट ने तलवार दंपति को डबल मर्डर का दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई थी, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सजा के आधार को नाकाफी बताते हुए दोनों को रिहा कर दिया था। तलवार दंपति बीते 13 अक्टूबर को ही दासना जेल से रिहा हुए थे। दिल्ली में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी और लाश को मसूरी ले जाकर कई 100 फीट गहरी खाई में फेंक दी। राजधानी के हर्ष विहार में मामूली झगड़े के बाद एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। घटना 3 दिसंबर की है। हत्या के बाद पति ललित ने पत्नी का शव पैक कर कार में रखा और ठिकाने लगाने के लिए मसूरी के लिए निकल पड़ा। पत्नी का शव मसूरी के जंगल में फेंकने के बाद ललित वापस दिल्ली आ गया। 11 दिसंबर को ललित ने पुलिस में पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। दिल्ली पुलिस ने मामले की जांच शुरू की तो ललित की भूमिका संदिग्ध लगी। पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की तो वो टूट गया। ललित ने हत्या की बात कबूल ली। पुलिस को घर के बाहर लगे CCTV कैमरे की रिकॉर्डिंग मिली, जिसमें ललित पत्नी की लाश कार में रखता हुआ नजर आ रहा है।
हत्या की गुत्थी सुलझने के बाद दिल्ली पुलिस ललित को लेकर मसूरी जा पहुंची और आईटीबीपी के जवानों की मदद से लाश को गहरी खाई से निकाला गया। पुलिस के मुताबिक वारदात को अंजाम देने में ललित के पिता और भाई के साथ उनकी पत्नी भी शामिल थी। पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। मुंबई में एक इमारत का एक हिस्सा गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई जबकि एक व्यक्ति अभी भी मलबे में दबा बताया जा रहा है। झवेरी बाजार की 5 मंजिला इमारत में मरम्मत का काम चल रहा है। 4थी मंजिल पर 10 और पहली मंजिल पर 6 मजदूर काम कर रहे थे। दोपहर 2:30 बजे के आसपास इमारत का एक हिस्सा ढह गया। बिल्डिंग का हिस्सा गिरने से कई मजदूर मलबे के नीचे दब गए। जब तक डेब्रिज नहीं निकाल सकते तब तक कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन हमारा सर्च ऑपरेशन और डेब्रिज निकालने का ऑपरेशन चालू है। कुछ नहीं बता रहे उन लोग, सिर्फ हम लोग को भगा रहे, तो हम लोग थोड़ी जाएंगे, हम लोग अपना को छोड़ के कैसे जा सकते हैं। मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने मलबे में फंसे कई मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाला। हालांकि संकरी गली होने की वजह से राहत और बचाव के काम में दिक्कतें आईं। बताया जा रहा है कि चिप्पी चाल नाम की ये बिल्डिंग काफी पुरानी और खराब हालत में थी। महाड़ा इसमें मरम्मत का काम करवा रही थी। जम्मू कश्मीर में शादी के दिन टीचर दंपति को नौकरी से निकाले जाने के मामले में राज्य मानवाधिकार आयोग ने रिपोर्ट तलब की। जम्मू कश्मीर राज्य मानवाधिकार आयोग ने एक प्राइवेट स्कूल के टीचर दंपति को शादी के दिन नौकरी से बर्खास्त करने के मामले में संज्ञान लिया है। आयोग ने सोमवार को स्कूल के प्रिंसिपल को पेश होने को कहा है। आयोग ने राज्य के विद्यालय शिक्षा निदेशक और पंपोर मुस्लिम एजुकेशन इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल को इस मामले में रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। राज्य शिक्षा विभाग ने भी स्कूल से जवाब मांगा है। इसमें हमारे ऑनरेबल जो हमारे मिनिस्टर हैं एजुकेशन का, उन्होंने पहले ही हिदायत दे दी हुई है डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन को कि अगर उनके शाम तक रिवोक नहीं होते ऑर्डर्स तो हम स्ट्रिक्ट एक्शन जो है स्कूल के अगेंस्ट लेंगे। आरोप है कि पंपोर मुस्लिम एजुकेशन इंस्टीट्यूट में काम करने वाले एक तारिक भट्ट और सौम्या बशीर को उनकी शादी के दिन ही नौकरी से निकाल दिया गया। स्कूल प्रबंधन ने कहा कि दोनों का रोमांस छात्रों पर बुरा प्रभाव डाल सकता है। वहीं दंपति ने प्रबंधन के मंसूबों पर सवाल उठाते हुए दावा किया कि उनकी अरेंज मैरिज थी। शादी के बाद स्कूल वालों ने हमें कॉल की कि आप स्कूल नहीं आएंगे, हम दोनों को आपको टर्मिनेट कर रहे हैं, आपने स्कूल को बदनाम किया, आपकी वजह से फेम हमारी कम हुई। यूपी के मुरादाबाद में 7 फेरों से ठीक पहले दुल्हन ने दहेज मांगने पर शादी तोड़ दी। इतना ही नहीं, दूल्हे और उसके परिवार वालों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया। मुरादाबाद की रहने वाली ज्योति की शादी बेंगलुरु की कंपनी में इंटीरियर डिजाइनर आशीष से तय हुई थी। शादी तय होने के वक्त आशीष और उसके परिवार वालों ने दहेज की कोई मांग नहीं की, लेकिन शादी के दिन 7 फेरों से ठीक पहले आशीष के परिवार वालों ने ज्योति के पिता के सामने एक बड़ी कार और 15 लाख रुपए नगद की मांग रख दी। एक स्विफ्ट कार और 11 लाख रुपए चाहिए, तो मैं दंग रह गया। फिर उन्होंने कहा ठीक है 11 नहीं 8 दे दीजिए 6 दे दीजिए। विवाद बढ़ने पर ज्योति ने आशीष और उनके परिवार वालों को खूब समझाया, लेकिन जब वो नहीं माने तो उसने शादी तोड़ने का फैसला कर लिया। ज्योति ने आशीष को होटल के बाहर का रास्ता दिखा दिया। लड़कियां भी कमजोर नहीं हैं और ये स्टेप मैं इसलिए भी ले पाई क्योंकि मेरी फैमिली मेरे साथ थी। ज्योति के परिवार वालों ने पूरे मामले की शिकायत पुलिस में की और आशीष उसके पिता सहित 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया। लाखों की बाइक और 50,000 का हेलमेट, फिर भी सड़क हादसे में नहीं बची जान। दिल दहला देने वाला यह हादसा हुआ जयपुर में। जयपुर के वर्ल्ड ट्रेड पार्क के सामने सड़क हादसे में रोहित सिंह शेखावत नाम के व्यक्ति की मौत हो गई। हैरानी की बात है कि रोहित लाखों रुपए की पावर बाइक पर सवार था और उसने 50,000 का हेलमेट पहन रखा था। हादसे के बाद हेलमेट नहीं खुला और लगातार खून बहने से रोहित की मौत हो गई। पीछे इनके गाड़ियां चल रही थी, किसी ने बताया 2 जगह इनका टक्कर एक्सीडेंट हुआ है, तो पहले से तो बच गए और सेकंड में जो पैदल व्यक्ति वर्ल्ड ट्रेड पार्क के सामने जा रहा था उससे गाड़ी इनकी भिड़ गई। बुधवार की रात रोहित की बाइक पैदल सड़क पार कर रहे एक व्यक्ति से टकरा गई। हादसे में रोहित बाइक के साथ घिसटते हुए दूर जा गिरा। रोहित जब सड़क पर लहूलुहान पड़ा था, लोगों ने हेलमेट खोलने की कोशिश की, लेकिन चेहरे पर सूजन आने से हेलमेट का लॉक नहीं खुल सका। लोग रोहित को हेलमेट सहित अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने हेलमेट का लॉक खोला। डॉक्टर्स ने बताया कि हादसे के बाद हेलमेट का ऑटो लॉक नहीं खुलने से मुंह और नाक से निकला खून फेफड़ों में जम गया और यही मौत की मुख्य वजह रही। रोहित की बाइक जिस व्यक्ति से टकराई थी उसकी भी हालत गंभीर है। उत्तराखंड के ऊंचे इलाकों में भारी बर्फबारी का सिलसिला जारी है। बर्फबारी से जहां ठंड बढ़ गई है, वहीं पर्यटकों के चेहरे पर खुशी की लहर। उत्तराखंड के चारों धाम बर्फ की सफेद चादर में ढक चुके हैं। गंगोत्री धाम के आसपास नदी, झरने, मंदिर और जंगलों में बर्फ की मोटी परत जम चुकी है। उत्तरकाशी से मंदिर को जाने वाला गंगोत्री राजमार्ग भी बर्फ से ढका हुआ है। कड़ाके की ठंड के बावजूद पर्यटक बर्फबारी का लुत्फ उठाने पहुंच रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा यात्री इधर आए,
एंड इस नेचर का आनंद उठाएं। काफ़ी अच्छा जगह है, मतलब गंगोत्री जो नाम है। औली में भी भारी बर्फबारी के बाद सैलानियों की संख्या बढ़ गई है। बर्फबारी के बाद इलाके में लगातार तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। बढ़ती ठंड को देखते हुए जोशी मठ के अलग अलग जगहों पर प्रशासन ने अलाव की व्यवस्था की है। अब जाके लगभग एक महीने बाद बारिश हुई है तो ये बहुत अच्छी बात है कि जो फसल है उसकी ग्रोथ अच्छी होगी और हम उम्मीद करते हैं कि एक हफ्ते के अंतराल में फिर बारिश होगी। बागेश्वर जिले के ऊंचाई वाले इलाकों में पिछले 3 दिनों से बारिश और बर्फबारी जारी है। सीजन की पहली बारिश से किसानों के चेहरे पर खुशी है। इस बार उन्हें अच्छी फसल होने की उम्मीद है। हालांकि बर्फबारी के बाद जिले के कई इलाकों में भूस्खलन का खतरा बढ़ गया है। आपदा कार्य के लिए बनाई गई टीमों को अलर्ट कर दिया गया है। इस यूपी के क्षेत्र की ओर से वहाँ थोड़ी बर्फबारी की सूचना हमारे पास आई है और संबंधित पटवारी और सभी एसडीएम्स को इसके लिए अलर्ट कर रखा है। जम्मू कश्मीर और हिमाचल में भी बर्फबारी से ठंड बढ़ गई है। यहाँ पर्यटक बर्फबारी का लुत्फ ले रहे हैं लेकिन स्थानीय लोगों की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के बेनीहाल की हैं। सड़कों से लेकर रेलवे ट्रैक हर तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। भारी बर्फबारी के बाद कई रास्तों पर आवाजाही में लोगों को दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं। श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग और मुगल रोड पर लोगों को दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं। वहीं बर्फीले तूफान की वजह से कश्मीर के गुरेज सेक्टर में 2 जवान लापता हो गए। सांबा जिले के कौशल सिंह और पठानकोट के रहने वाले सिमी कुमार 5 दिन पहले आए बर्फीले तूफान में फंस गए थे। तब से उनसे कोई संपर्क नहीं हो पाया है। 3 बंदे जो नाले के इस पार आ गए, ऊपर से स्लाइडिंग हुई, ये वापस हो गए दोनों, कौशल सिंह दूसरा सिमी कुमार। आर्मी की टीम दोनों जवानों का पता लगाने में जुटी है। हालांकि खराब मौसम की वजह से दिक्कतें आ रही हैं। हिमाचल में पिछले कई दिनों से लगातार बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी के बाद चंबा में सैलानियों का जमावड़ा बढ़ने लगा है। मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से मशहूर खाजियार में ठंड में ठिठुर कर भी लोग बर्फबारी का लुत्फ उठाने पहुंचे हैं। थोड़ी ट्रेवल में परेशानी हुआ लेकिन बाकी यहाँ मस्त है और सारी जो भी है एंजॉय किए दोस्तों के साथ मजे में एकदम। लेकिन बर्फबारी की वजह से खाजियार डलहौजी सड़क मार्ग फिलहाल बंद है जिससे लोगों को यहाँ पहुँचने में परेशानी हो रही है। और पहाड़ों पर बर्फबारी और बारिश का असर मैदानी इलाकों में भी दिखने लगा है। ठंड के साथ शीतलहर ने लोगों को ठिठुरने के लिए मजबूर कर दिया है। पहाड़ों में बर्फबारी ने दिल्ली NCR समेत उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ा दी है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली वालों को अभी ठंडी हवाएं परेशान करती रहेंगी। संभावना ये है कि आगे 2 दिन तक मौसम ऐसा ही रहेगा। न्यूनतम तापमान सुबह के समय लगभग 7 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहेगा। राजधानी में 17 दिसंबर के बाद ठंड कम हो सकती है लेकिन 25 दिसंबर के बाद फिर से शीतलहर का अंदेशा है। बच्चों का थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना पड़ रहा है, उनको कवर करके रखना पड़ रहा है। अभी उनको पार्क में या कहीं बाहर नहीं ले जा भेज सकते अकेले। उत्तर भारत के कई हिस्सों में शीतलहर और कोहरे की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। यूपी पंजाब राजस्थान में पारा लुढ़क गया है। सुबह के समय घने कोहरे की वजह से ट्रेनें देरी से चल रही हैं। कोहरे के कारण पिछले कई दिनों से चंडीगढ़ हवाई अड्डे पर उड़ानें प्रभावित हैं। हरियाणा के अंबाला में सर्दी की वजह से एक व्यक्ति की मौत हो गई। चंडीगढ़ में दिन का पारा लुढ़क कर 13 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है। क्रिसमस में बस 9 दिन रह गए हैं। ऐसे में ब्रिटिश रेलवे ने शराब पीने वालों को लेकर तमाम रेलवे स्टेशन और रेलवे ट्रैक के पास रहने वालों को एडवाइजरी जारी कर दी। शराब पीने वालों पर ब्रिटिश रेलवे की एडवाइजरी भला क्यों? तो इसका जवाब है ये वीडियो जो बता रहा है कि क्रिसमस के पास आते ही ब्रिटेन में शराब पीने वालों के कदम खुद ब खुद रेलवे ट्रैक की तरफ बढ़ जाते हैं। ब्रिटिश रेलवे ने ऐसे वीडियो जारी करके लोगों को हिदायत दी है कि वो बेहिसाब शराब ना पिए और अगर पिए भी तो रेलवे ट्रैक से दूर रहें। ब्रिटेन में पिछले 1 साल में इस तरह के मामलों में 7,419 लोग घायल हुए थे। क्रिसमस के आसपास ब्रिटेन में रेलवे ट्रैक पर दुर्घटनाएं 16% बढ़ जाती हैं। ज्यादातर के पीछे वजह होती है शराब। ब्रिटिश रेलवे ने रेलवे ट्रैक के पास रहने वालों को भी एडवाइजरी जारी की है कि जब भी किसी पिए हुए शख्स को रेलवे ट्रैक के पास देखें तो उस पर नजर रखें और उसे रेलवे ट्रैक से दूर कर दें।